ये घाटी जो आप देख रहे हैं, ये घाटी जो है बहुत ही ख़तरनाक घाटी है। इसमें जो है प्रत्येक साल एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर उनियाल और स्वागत है आपका बाबा काशी विश्वनाथ नगरी उत्तरकाशी में। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी चिन्यालपुर, जहाँ की मेरा रूम था पहले, वहाँ से मुझे सामान लेना है। तो ये है जो सारा मोटर पुल, हम आपको गंगा माता के दर्शन कराते हैं। ये आगे मेरे भाई जा रहा है, ये मेरे साथ जो है वहाँ से मेरी हेल्प करेगा सामान लाने में। ठीक सामने दिख रहा है मेरे टावर, उसके पीछे जो है NIM है, नेहरू पर्वतारोहण स्थान है। वहाँ लोग अपनी ट्रेनिंग पर्पस के लिए आते हैं, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। बाकी जो सड़क दिख रहा है, आज मार्केट बंद है क्योंकि आज संडे है, इसलिए मार्केट बंद है। आज 2 मिनट बस पहुंच जाएगी यहाँ पे। ये आए बस हरिद्वार, इसके स्वाद इसके जाएंगे। ये सामने दिख रहा है, ये हमारा मनेरा फील्ड और ये है श्रीराम स्कूल। अब हम पहुंचने वाले हैं बड़ेती में, जाके की जहाँ से कि बड़ेती का मार्केट स्टार्ट होता है। ये बड़ेती का मार्केट स्टार्ट हो गया है, ये बड़ेती बाज़ार है। अब थोड़ी दूर यहाँ से अपना मातली है, मातली भी थोड़ा ठीक ठाक बाज़ार है। ये मातली गांव है, इसके बाद मातली बाज़ार आएगा। मातली में जो है पेट्रोल पंप है यहाँ देखो, और आई टी बी कैंप है, ये पेट्रोल पंप है। ये पूरा दिख रहा है मातली का टूट व्यू। अब हम पहुँचे हैं डुंडा में, ये यहाँ से डुंडा मार्केट स्टार्ट होता है। हेलो डुंडा मार्केट, चल भैया मैं ये पता नहीं हूँ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिन्यार रिसोर्ट में, पीपल मंडी में। सारी दुकानें आज बंद हैं क्योंकि आज संडे है। अभी एक दुकान मिली है हमें बकली, यहाँ से कुछ सामान लेते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे एक दुकान खुली मिली है, दे दो कुछ, क्या लेना है? सिंपल लेवल कुछ दे, चॉकलेट पर चॉकलेट। ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो हमने अभी बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स वगैरह ले लिए हैं। जब मैं यहाँ रहता तो मैं यहाँ भाग भाग के जाता ऊपर, आदत सी हो गई थी मुझे, यहाँ 2 कदम नहीं चल पा रहे। ये है नेशनल हाईवे NH-94 जो कि चिन्यार लेके ठीक ऊपर से गुजरता है, उत्तरकाशी के लिए जाता है मार्ग, उत्तरकाशी के लिए जाता है मार्ग। और यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, ये है रूम का रास्ता। तो वहाँ पे वो नीले कलर का घर है, उसे मेरा रूम है। वो अभी हमने सारा सामान ला दिया नीचे, बिस्तर वगैरह जो भी बर्तन वगैरह थे सारा पैक करके हमने रोड पे ला दिया है। अब यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी उस पर रख के उत्तरकाशी पहुँचाने सामान, कोई बस आ जाएगी, बस से डाल दिए सामान और उत्तरकाशी पहुँचाएंगे। बिस्तर था, एक बैग था और उसमें बर्तन वगैरह हैं, बस थोड़ा बहुत ही सामान था अपना, बाकी मकान मालिक ने दिया था। ये बाइक हेल्प करी है सामान ढाने में, बड़ा वाला इसने ढाए कंधे पे लाया इसने। मैंने कहा मैं मेरी बस की नहीं है भाई, ये लाया है। बाकी हमारी बस आ चुकी है सामने से,
ये बस आ रही है सामने से भाई, बस आ चुकी है तो हम भी अब निकलने वाले हैं यहाँ से। कुछ नहीं नहीं पहले हम यहाँ घूमने जाते थे शाम शाम को अंकितपुर में, ये वाली बहुत अच्छी जगह है, पीपल मंडी एक छोटा सा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे जो है टीरी झील का पानी, ये निशान दिख रहे हैं आपको जो यहाँ तक भरता है, जो कटिंग की होगी ये पानी से हो रखा है, था ये पूरा भरा हुआ रहता है यहाँ नीचे तक। आज कल यहाँ घास जमी हुई है, ये आजकल यहाँ ऐसे लोगों की गाय भैंस खच्चर वगैरह चरते हैं, बट जहाँ पानी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये डैम का पानी जो है यहाँ तक भरा रहता है पीछे तक, वो मुझे लग रहा है वहाँ से बारिश आ रही है। और हमारी बस भी आ चुकी है, ये बस आ रही है। ठंडियों के टाइम पे झील पूरी ऊपर तक भर जाती है जहाँ तक की निशान है, ये अक्टूबर नवंबर में तो भरने लग जाती है, फिर इसके बाद जैसे ही ठंड जनवरी फरवरी में फिर ये धीरे धीरे कम होती जाती है। अभी तो फिलहाल खाली है जो ये नेचुरल नदी का पानी है अभी। तो जब हम घर को जाएंगे तो आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे, आपको जितने भी बीच में पड़ते हैं हमारे उत्तरकाशी और किनारी के बीच में जितने भी बाज़ार पड़ते हैं गांव पड़ते हैं सब दिखाएंगे आपको, जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल यही है, बस भी आने वाली है हमारी, उसके बाद बस से दिखाएंगे आपको सारा नज़ारा दिखाएंगे। सामने दिख रहा है देवीसोड़ का पुल जो कि बहुत हाइट पे है, और ये है आपका चिन्याली में जो है इंटर कॉलेज, चिन्याली का इंटर कॉलेज है ये, यहाँ पे चिन्याली में हॉस्पिटल है, यहाँ पे कॉलोनिया है कॉलोनिया है। यहाँ तक आती है तीन झील का पानी, बड़ी शान दिख रहे हैं यहाँ तक भरता है, ये पावर हाउस है। ये घाटी जो आप देख रहे हैं ये घाटी जो है बहुत ही खतरनाक घाटी है, इसमें जो है प्रत्येक साल एक्सीडेंट होते रहते हैं, और ये बहुत ही गहरी घाटी है। यहाँ पे जो है 6-7 सालों में जो है 90 से ऊपर जो है मौतें हो चुकी हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है जो कि 2-3 साल पहले लगा, उसके बाद भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। 400-500 मीटर गहरी खाई है ये बोर्ड देख सकते हैं आप। यहाँ से गंगोत्री 119 और हरसिल जो है 96 किलोमीटर दूर है। ये आपको जो सामने दिख रहा है गांव, ये है देवीधार, यहाँ से जो है बाईपास कटता है, धनारी से होते हुए मार्ग जाता है जो कि श्रीनगर तक जाता है, यहाँ से केदारनाथ बाईपास है, और यहाँ से लमगांव को घनसाली को भी ये रूट कटता है। ये शॉर्टकट बाईपास है, अगर कोई उत्तरकाशी में जाना चाहे मतलब तो यहाँ से शॉर्टकट जा सकता है धनारी से होते हुए। ये जो सामने दिख रहा है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, ये कॉलेज है और यहाँ इसका नाम है हिटाणु कॉलेज, मंजिला देवी कॉलेज है ये। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ये डुंडा का है, ये नीचे डुंडा की मार्केट दिख रही है, ये नीचे डुंडा गांव भी है ये और मार्केट भी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है डुंडा का। ये डुंडा का बाज़ार है, हाँ आपको पता ही होगा ये सारा बाज़ार बंद है क्योंकि आज संडे था तो कोई चहल पहल नहीं है, पूरा बाज़ार बिल्कुल शटर लगा हुआ है बाज़ार में, ये देख सकते हैं आप डुंडा में पूरा जो है सुनसान हो रहा है। आप मौसम देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है, बारिश भी आने वाली है,
पहुँचे हम नाकुरी में। जैसा कि जो उत्तरकाशी होगा उनको पता होगा बीच में नाकुरी पड़ता है। रोड का काम प्रगति पे है, NH 94 इस पर काम चल रहा है अभी। बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ पे जो कि नागपुरी में है। दोस्तों व्यू देखिए, बस आप इन पहाड़ों को देखिए, बस ये देखिए व्यू, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत। आजकल यहाँ पे जो है काम चल रहा है वो विजय रोड का, जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है काम। जय शंभू। ये यहाँ पे बंदर कोट है, ये देखिए मौसम कितना बढ़िया है। अब पहुँचे हम मातली में, जो कि मैंने आपको आगे बताया था कि यह ये मातली है। यहाँ पे जो है ये ITPP की कैंप, वो पूरा कैंप है, ये कॉलोनिया पूरी ITPP की है। ये मातली गांव दिख रहा है सामने, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम है। यहाँ पे थोड़ी सी धूप लगी हुई है। ये पेट्रोल पंप है मातली का, देखो दोस्तों बारिश आ गई ऊपर से, बहुत ही भयंकर बारिश आ गई है। ये है लास्ट पड़ाव उत्तरकाशी, ये बड़ेती पहुंच गए हम। बड़ेती मार्केट स्टार्ट हो गया है, बस अब ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर है उत्तरकाशी यहाँ से। ये मोड़ यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो हमारी जैसे आंखें खुल जाती है, क्योंकि हमें उत्तरकाशी को दूर दिखाई देता है तो बहुत अच्छा फील होता है। खुशी इतनी होती है कि बता नहीं सकते आपको कितनी खुशी होती है। ये सामने काम चल रहा है, ओपन टनल का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें बाहर से कॉलम लगे हैं, ये ओपन रहेगा, बाकी इस पर स्लैब पड़ी हुई है। जब ये बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे इसको भी, ये तो अभी तो चल ही रहा है। ये जो सामने दिख रहा है आपको ये मनेरा है, मनेरा में जो हमारा स्टेडियम है, एक ईशान स्कूल है और एक केंद्रीय विद्यालय है। ये बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। फाइनली हम पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी में मौसम का हाल देखो, बारिश बहुत तेज़ बारिश हो गई स्टार्ट। ऐसे ही हम पहुँचे, बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे हैं, अभी बारिश स्टार्ट हुई, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही बारिश स्टार्ट हुई है। और हम जो है हमने सामान उतार लिया है, अब जब बारिश रुकेगी तब जाके जाएंगे हम घर, तब तक जो है यहीं खड़े रहेंगे। मैंने अंकित को फ़ोन कर रखा है, वो आएगा गाड़ी लेके, तब कुछ सामान उस पर चलेगा। बारिश ने बुरे हाल कर दिए हैं, घर जाना था, कैसे जाएं, ऊपर से बहुत तेज़ बारिश आ रही है जी। बारिश में तो कहीं जाया नहीं जाएगा। बहुत खुशी हो रही है, अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है। दुख इस बात का है क्योंकि बारिश गलत टाइम पर हो रही है, हम घर जा रहे थे, अगर 10 मिनट बाद होती तो शायद हम घर पहुंचे होते। गाँव भी आओ पता है हम तो गाँव बहुत कम जाते हैं हमारे लिए बात है।
बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। हम यहीं फंस चुके हैं, कहीं जा नहीं सकते जब तक बारिश नहीं रुकेगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब घर कैसे जाया जाए, बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया हमारा। उत्तरकाशी में भयंकर बारिश हो रही है। वहाँ पर हमारे एक बैग भीग रहा है, सड़कों पे पानी बहता हुआ, आर्टिफिशियल झरना। मौसम तो बढ़िया हो चुका है। अंकित का फोन आ रहा है। तो हमारे उत्तराखंड में मौसम और मुख्यमंत्री कब बदल जाए पता नहीं चलता है, बस बदल जाते हैं। अभी झील का पानी ऊपर तक भर चुका है, थोड़ी देर में ही गेट खुल जाएंगे इसके, पानी जो है इसका कम हो जाएगा आधे घंटे में। दोस्तों आगे टाइम हम भीग के जो है फाइनली घर पहुंच चुके थे, और मैं तो पूरा भीगा हुआ था और मेरे भाई भी भीग चुका था। उसके बाद हम जब घर पहुंचे, कपड़े कपड़े चेंज किए अपने, और अभी जो है 7:30 बज रहा है। तो हम आए छत पे, तो छत से जो नज़ारा दिख रहा है क्या बात है, तो कुछ भयानक ही नज़ारा दिख रहा है। मौसम देखने लायक है बिल्कुल। लाजवाब मौसम ये देखिए दोस्तों। मुझे आज एक चीज नहीं दिखी है जो कि आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये लिखा है NIM, ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का वो है सोते में। बाकी ये हमारे इन पर्वतों से जो है, पहाड़ों से जो है, अभी धुंध उठती हुई। दोस्तों अभी हो चुका है अंधेरा, अभी के लिए बाय बाय टाटा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।